एज कितनी है? मेरी एज 47 और 48 के बीच में। 47 प्लस है? हाँ प्लस। आप प्रोटीन ले रहे हैं? हाँ मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। कौन सा प्रोटीन यूज कर रहे हैं आप? मैं आपके यहीं से प्रोटीन ले गया था, मैंने बहुत सारी दुकानें सर्च करी, बातें चीते करी, किसी से मुझे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कोई मेरी बातों से संतुष्ट। हेलो सप्लीमेंट सलाह फैमिली, तो यहाँ पर सीनियर फैमिली मेंबर आए हैं और सर बता रहे हैं कि सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं कॉलेज में, जो है लेक्चरर हैं सर। तो यहाँ पर सर का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले इंट्रोडक्शन दे दें अपना, और उसके बाद में आज ये मतलब इंटरव्यू वीडियो बड़े काम की रहने वाली है। और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना प्लीज़ यार, मेरी मम्मी से बात कर लो भैया, पापा से बात कर लो, मान नहीं रहे हैं, हम मान जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। सर इंट्रोडक्शन नाम। माई सेल्फ प्रोफेसर ए के धारीवाल और मैं यहाँ जो मथुरा में कॉलेज है, इस कॉलेज में मैं HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट हूँ। और फिजिकल एक्टिविटी से मेरा बचपन से नाता रहा है, स्पोर्ट्स में मैं लगभग ग्रेजुएशन से ही पहले से इंटर से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, 100, 200, 400। और ये समझ लीजिए आज भी उम्र के सेकंड पड़ाव पर मैं हूँ और उसके दौरान भी मेरा लगाव अभी भी कम नहीं है। इस दौरान मैंने देखा कि आज के दौर में आज लोग दुनिया भर की चीज़ों के पीछे भाग रहा है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हेल्थ है। हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है, यदि हेल्थ नहीं तो सब कुछ बेकार है। इसलिए आज जो देखा जा रहा है चारों तरफ, हम भी देख रहे हैं, हम पूरे परिवेश में देख रहे हैं, एक हेल्थ को लेकर बहुत तरह के ब्रांड भी आ रहे हैं, कई तरह की स्कीमें आ रही हैं कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जी, लेकिन वो सब चीज़ें एक मार्केटिंग को लेकर की जा रही है जी। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखे जाए पहले और अब में देखा जाए तो जो ये हेल्थ से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है या जितनी भी प्रोटेक्शन आपके लिए या सप्लीमेंट है वो है, ये टोटल प्योर साइंस है। जब तक ये प्योर साइंस आपकी समझ में नहीं आएगी आप इससे डरे सहमे रहेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर बच्चा उसको हल नहीं करेगा तो वो किताब और मैथमेटिक्स से डरा रहता है, जिस दिन वो हल करना शुरू कर देता है या किताबों से उसका नाता जुड़ जाता है वो समझने लगता है कि पढ़ाई कुछ नहीं बस मेहनत करनी आगे बढ़ते जाना जी। तो ये बहुत अच्छी आपकी पहल है। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 47 और 48 के बीच में। 47 प्लस है? हाँ प्लस है। देखो यहाँ पर ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि सर 47 प्लस होने के बाद भी अपनी फिटनेस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। फिटनेस है बिल्कुल बात है, 60 प्लस भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं तो कह रहा है लाइफ के 24 घंटे में से 10 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं, पूरा काम करें तो 1 घंटा तो मिनिमम आपको एक्सरसाइज देना ही चाहिए। तमाम तरह के डॉक्टरों से आप बचे रहेंगे और हेल्थी जीवन जिएंगे। रही बात आपके प्रोडक्ट्स की, मैंने भी बहुत स्टडी की है इस पर और ये इसलिए बहुत सारे रिसर्च जर्नल भी पढ़े हैं जी। लोग तो केवल डब्बा देखते हैं, मैं तो रिसर्च जर्नल भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल, किस जर्नल पे क्या रिसर्च हुई, कितने हमारे रिसर्च स्कॉलर्स इस पर प्रोडक्ट पे काम करते हैं कि क्या कितना प्रोटीन बॉडी को इंटेक चाहिए, कितना क्या चाहिए, कितने हमारे जो है एसिड्स हैं अमीनो एसिड्स हैं तो वो कितने हैं, कितने एनाबॉलिक हैं, कितना नहीं है, तो वो उन सब की क्या रिक्वायरमेंट है। एक सीधा सा फंडा है जो देसी भाषा में कहा जाता है, जिस चीज़ की शरीर को जरूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे शरीर में कुछ चीज़ की कमी नहीं होगी तो बीमार पड़ने का कोई औचित्य ही उचित है। तो बेस्ट यही है कि आप अपना रेगुलरिटी अपना रहते रहिए। और सर आप प्रोटीन ले रहे हैं? हाँ मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं आप? मैं आपके यहीं से प्रोटीन ले गया था, मैंने बहुत सारी दुकानें सर्च करी, ठीक है, बातें चीते करी, किसी से मुझे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कोई मेरी बातों से संतुष्ट ना, आदत है क्योंकि प्रोफेसर हूँ तो क्वेश्चन 10 पूछता ही पूछता हूँ। बिल्कुल, तो जब क्वेश्चन 10 पूछूंगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरा संतुष्ट होना जरूरी है। अब मैं कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहूंगा जब मैं उसकी क्वालिटी देखूंगा, उसका पेमेंट जब करूंगा जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ठीक है, आप मेरे ही पीछे आपका प्रोडक्ट रखा है जी। ये मैंने आपके सप्लीमेंट मिला मथुरा से मैंने डायमंड इलीट लिया है। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा फैट बर्नर के लिए भी, जो कि आपका RC का है 300, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एल-कार्निटिन ये भी काम कर रहा है अच्छा, दोनों का रिजल्ट अच्छा है, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। पहले थोड़ा फेट ही था, 2-4 किलो वेट था, वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे और सब और भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सर आप ये बात मान रहे हैं कि भाई मतलब जो है अगर ओरिजिनल प्रोटीन लिए जाए तो उनका कोई नुकसान नहीं है? ओरिजिनल प्रोटीन लिए जाए और बिल्कुल लेना चाहिए, और साइंस तो ये कहती है 1 ग्राम पर kg के हिसाब से लेना चाहिए। बट यदि ये डिपेंड करता है कि उसकी कंजप्शन कैसे करता है बंदा, ये नहीं कि प्रोटीन ले लिया वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो हमारा देसी घी भी अगर हम ले लेंगे कुछ करेंगे नहीं तो वो भी नुकसान दे सकता, नुकसान करेगा। बिल्कुल, तो ये तो सब चीज़ें हैं कि आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी जी। आप खाली एक्सरसाइज करें ना, और मैं ही बहुत सारे फूड हैं
घर में जो फूड है वो भी मैं खाऊंगा तो वो भी मुझे नुकसान दे जाएंगे। बिल्कुल, तो ये तो एक सिस्टमेटिक है, आप अकॉर्डिंग टू साइंस है, उसके हिसाब से जो मात्रा है, दवाएं हैं, दवाओं की भी एक मात्रा है कि इतने एमजी आपको टेबलेट लेनी है। डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करता है, तो एक लिमिट है, उसके आप फॉलो कीजिए, डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, नेवर भी कोई प्रॉब्लम, बट उसके लिए आपको जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप मतलब सप्लीमेंट्स वाला से संतुष्ट है ना कि भाई जेन्युइन है प्रोडक्ट? हां बिल्कुल। और जो भी सवाल जवाब किए सबका आपको आंसर मिला? आपका यहां हम आए तो हम भी और मेरी मिसेज भी साथ में थी उस दिन, हम दोनों ने अच्छी तरह आपकी जो शॉप का इंटरव्यू लिया, अपने कोई क्वेरी थी वो क्वेरी भी पूरी करी, हम काफी हद तक संतुष्ट थे, तभी हमने ऑर्डर किया और आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेके हम संतुष्ट हैं, हर तरह से अच्छी बात है। तो दोस्तों अच्छा। अब यहाँ पर देख लो यार, मतलब प्रोफेसर सर से तो मतलब कौन ही जीत सकता है, बता रहे हैं कि भाई 10 जगह गए, 10 सवाल किए, कहीं से ये संतुष्ट नहीं हुए, कहीं इनके सवालों से वो संतुष्ट नहीं हो पाया, पर एट द एंड इनका ठिकाना रहा सप्लीमेंट्स वाला। अच्छा सर मुझे बताओ, अब कहीं और जाने की जरूरत तो नहीं होगी? नहीं, अब हमें कोई जरूरत इन फ्यूचर कोई भी सप्लीमेंट में संयोग से आपके यहीं आया हुआ जी, हूं। जी। और ये तो सौभाग्य रहा कि आपसे मुलाकात हुई, कई बार मैंने कहा भाई सुमित जी से भेंट हो जानी, टेलीफोन की आपसे वार्तालाप हुई और टेलीफोन भी वार्तालाप में मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी जो इसके बैकग्राउंड की जो नॉलेज है, आपके बताने का जो एक सिस्टमेटिक तरीका है, और फिर प्रोडक्ट लेने के बाद आपका जो फॉलो अप है जी वो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि ऐसा नहीं प्रोडक्ट तो सब बेच देंगे उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं करता जी, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या कोई भी बात है उसको फॉलो करना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये आपने बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आपको अब पता लग गया कि भाई पीछे से भी मतलब पूरी सपोर्ट आपको रहती है, आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छी है, तो यही फैमिली वाली बात है दोस्तों, यही मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार जुड़ो सप्लीमेंट्स वाला से, उसके बाद कहीं नहीं जाओगे। आज ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं अभी 2-4 सवाल और पूछूंगा सर से। सर आपने मुझे बताया कि आपकी पोस्टिंग जो है मेरठ भी रह चुकी है, बनारस भी रह चुकी है। बनारस भी मैंने रहा हूं, बनारस भी मैं 2001 में रहा हूं, वहां पर भी मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, जुड़े रहे हैं, बिल्कुल जुड़ा रहा, अभी जुड़ा हूं। सर आजकल जो नए नए बच्चे हैं उनको बस बॉडी बनानी है 2 महीने में 3 महीने में, आजकल मतलब बहुत ट्रेंड चल रहा है, मुझे नहीं पता मथुरा में इतना ट्रेंड है नहीं, पर हमारे दिल्ली NCR में बहुत है, सब जगह ट्रेंड और मेरठ में भी बहुत है। हाँ, मेरठ तो खैर हब है, हब है तो बहुत ज्यादा, सूरज कुंड हुआ ये सब हब है। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो सर उन बच्चों को जो जल्दी के चक्कर में स्टीरॉयड्स ले रहे हैं या सस्ते के चक्कर में नकली सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उन बच्चों को आपकी तरफ से एज ए सीनियर सप्लीमेंट्स वाले फैमिली मेंबर क्या? देखिए कि इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ना पहले था ना आज है ना कभी शॉर्टकट होगा। जो समय मतलब एक ड्यूरेशन चाहिए शरीर के लिए, चाहे वो आपका वेट लॉस का हो चाहे वेट गेन का हो, उसको तो उतना ही चाहिएगा। बॉडी भी बहुत चतुर होती है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते आप जी, तो उसके लिए आप जेन्युइन जो है प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जेन्युइन आपके मार्गदर्शन यानी कि जिम एक्सरसाइज भी जेन्युइन होनी चाहिए, और कितनी देर आपकी बॉडी है वो कितना उसको एडजस्ट कर सकती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है जी। तो सर जो बच्चे स्टीरॉयड्स की तरफ जा रहे हैं उनको क्या सलाह है जी आप? अब देखिए स्टीरॉयड्स जो होती हैं बहुत ही खतरनाक चीज है, उनके इम्पेक्ट बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक आते हैं, उससे बचना चाहिए और हर हाल में बचना चाहिए। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई भी है, चाहे हम घर का खाना भी लेके जा रहे हैं उसमें भी हम क्वालिटी देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, चाहे खाने के लिए हम फल भी ले गए तो उसमें भी हम क्वालिटी देखते हैं, चाहे घर में कोई भी आइटम लें हम उसमें भी क्वालिटी देखते हैं, तो क्वालिटी का दैट मीन्स कि कोई ट्रेडमार्क तो होगा, वो अपनी कुछ ना कुछ तो एक बेंच मार्क उसने बनाया है जी, तो उसको जरूर ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा लेने से बचा जाए। तो यार देख लो अब यहाँ पर मतलब जो है ना, मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपके पेरेंट्स के बहुत काम आएगा, और अब पेरेंट्स के लिए सवाल है जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। सर आप भी पेरेंट्स हैं और यहाँ पर पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी बार मुझसे बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे पापा से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, मैं जितना पॉसिबल हो सके करता भी हूँ, उनके पेरेंट्स को समझाता भी हूँ, और सप्लीमेंट्स वाला पर पेरेंट्स भी विजिट करते हैं। सर अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को सप्लीमेंट लेने के लिए मना कर रहा है, चाहे उसके मन में कुछ भी है, आप एज ए पेरेंट क्या अपने बच्चों को अलाउ करेंगे इन फ्यूचर सप्लीमेंट्स के लिए? पहले तो मैं उससे बात करूंगा कि आपको जो प्रोडक्ट लेना वो किस टारगेट के लिए लेना है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है जी, और केवल बच्चे ही नहीं, वो बच्चे को कहाँ से उसको ये जेन्युइन जानकारी मिली, मैं उनसे भी जाके डिस्कस करूंगा जी, कि वो कहाँ बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ एक्सरसाइज कर रहा है जी, किसी एक्सपर्ट फिटनेस जो है ट्रेनर के पास है, कहीं ऐसा तो नहीं नीम हकीम खतरे जान है, ठीक है, ये भी होता है एक्चुअली, उनसे भी मैं मिलूंगा, और जब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरे को लगेगा कि ये प्रोडक्ट इस बच्चे के लिए ठीक है तो मैं उसके अनुसार उसकी कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, और उसके लिए क्या वो बेसिक उसकी नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए ही तभी रिकमेंड करेंगे। मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है?
और सर मैं ये भी पूछूंगा यार, अब देखो ये भी पूछना जरूरी है, और रिकमेंडेशन कहाँ की रहेगी, कोई कहाँ से लेने चाहिए प्रोटीन? रिकमेंडेशन तो ऑब्वियसली है, मैं आपके यहाँ आया हूँ तो स्वाभाविक सी है, जब मैं आया हूँ तो मैं भी आप ही के रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से बेफिक्र होकर आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेके गया हूँ जी, तो ऑब्वियसली है कि मैं आपके यहाँ का प्रोडक्ट। तो सुन लो, पेरेंट्स खुद ले जा रहे हैं प्रोडक्ट्स यार, तो आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे के लिए आपकी चिंता जायज है, मैं मान रहा हूँ इस बात को। और देखो मैं, डी सप्लीमेंट्स की मार्केट बहुत बड़ी है, बच्चे जो हैं जैसे सर ने बोला, आप भी अपने बच्चों को ये जरूर करें कि भाई आपसे पूछे तो चाहता क्या है, कहीं वो ऐसा तो नहीं जोश में कहीं शर्त लगा लिया, क्योंकि आजकल शर्त बहुत चल रही है कि मैं शर्त लगा रहा हूँ 3 महीने में बना के दिखाऊंगा, का कोई रास्ता नहीं है वो आजकल। आजकल देखिए क्रेज चल रहा है, बच्चे तो है ही, आजकल जो मिड एज वाले हैं 30-30+ समथिंग, जो ओबेसिटी की समस्या, फैट लॉस की समस्या, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, ज़्यादातर सब में देखा जा रहा है। मोस्टली लोग कहते हैं भाई आप फास्ट फूड खाते हैं सब, ओबियसली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी, किसी की जेनेटिक प्रॉब्लम है फैटी होना, तो उन सब का भी ट्रीटमेंट संभव है, एक्सरसाइज एक संभव है, एक्सरसाइज कीजिए, और जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट आपको 1 महीने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। और फैट लॉस का ऐसा नहीं कि सपोज करो मेरा जो है स्टोमक पेट ही है, पेट से या मेरे शोल्डर से, तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज करना आपका काम है, ये बॉडी डिसाइड करेगी आपका फैट उसको कहाँ से रिड्यूस करना है, किसी एक पर्टिकुलर की आप एक्सरसाइज करके कभी भी बॉडी का वेट लॉस नहीं कर सकते, लेकिन ये निश्चित है एक दिन आपका फैट लॉस जरूर होगा, जो भी बॉडी गोल है, लेकिन आप उसको रूटीन को फॉलो जरूर करें, फॉलो करें। तो पेरेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, अपने बच्चे को समझाएं कि बेटा एक्सरसाइज जरूरी जरूरी है, और होश में एक्सरसाइज ज्वाइन कर, जोश में नहीं। और जैसा कि सर बताई चुके हैं भाई, सप्लीमेंट्स अगर लेने हैं तो कहां से लेगा, सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। ये सलाह आप अपने बच्चे को दें, मैं आपसे वादा कर रहा हूं यार, आपके बच्चे को कभी कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, क्योंकि ओरिजिनल सप्लीमेंट से कुछ नहीं होता। हाँ रिजल्ट स्लो है पर होगा कुछ नहीं, नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं आएंगे। ये बेसिकली सप्लीमेंट्स यार, प्रोटीन मतलब हमारी डाइट का पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन मिनरल सब कुछ चाहिए, तो बेसिक चीजें हैं। तो बस अपने बच्चे को ये सलाह दें। और यहाँ पर अब देख लो यार, मतलब जो है प्रोफेसर HOD और मतलब वो सारी चीजें आपको बता रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता है। और सर ने मतलब जो बात मैं कहता रहता हूँ वो, क्योंकि मैंने भी देखो सर जैसे जो प्रोफेसर हैं, सर जैसे जो गुरु हैं, वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं और सेम चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ और सर तो बता ही रहे हैं। तो आप कभी भी जोश में नहीं, होश में एक्सरसाइज कीजिए, सोच समझ के सप्लीमेंट्स लीजिए, और सप्लीमेंट्स लीजिए सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से। अब खुद 47 साल की उम्र में वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और रिजल्ट भी आ रहे हैं इनको, तो आप भी ले सकते हैं रिजल्ट। कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो आप सप्लीमेंट सलाह से कांटेक्ट कीजिए। छोटी सी इंटरव्यू वीडियो मैंने फेस पेरेंट्स के लिए बनाई थी ताकि इस चीज़ को हम जान सकें, और सर ने बताई दे कि इन फ्यूचर अब हर किसी बच्चे को या अपने बच्चों को भी ये रिकमेंड करेंगे सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला। तो आप भी अपने बच्चों को रिकमेंड करो सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला, स्टीरॉयड्स के पीछे मत भागो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, इस शरीर को लैब मत बनाओ, कुछ भी डाले जा रहे हो भाई, बहुत नुकसान होंगे। क्योंकि देखो हर किसी चीज़ का सर्विस सेंटर है, आपने मोबाइल ले लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, सर्विस सेंटर अवेलेबल है, ख़राब आ गया तो ठीक हो जाएगा भाई, अंदर लीवर किडनी हार्ट है, समझ रहे हैं आप, अगर ये खराब हो गए ना बाबूजी, ये माँ के पेट में बनते हैं और एंड तक चलते हैं, तो ये इनके साथ रिस्क मत लो। जुड़ो सप्लीमेंट सलाह से, कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए तो आप पूछो सप्लीमेंट सलाह से, जैसे सर ने 10 सवाल किए, 10 के 10 सवाल का आपको जवाब मिलेगा। आप पूछो, आपका बॉडी गोल आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप अपने एज बताओ, हाइट बताओ, वेट बताओ, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ये नहीं ये करो, आपको सलाह दूंगा। तो आप या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, या फिर ऑफलाइन जैसे सर आए हैं मथुरा आउटलेट सप्लीमेंट सलाह मथुरा, कृष्णा प्लाजा कृष्णा नगर, ऐसे हमारे आउटलेट्स अब हर सिटी में ओपन हो रहे हैं। आप जा सकते हैं मथुरा, आप जा सकते हैं कानपुर, आप जा सकते हैं आगरा, आप जा सकते हैं लखनऊ, आप जा सकते हैं मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, जयपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा, दिल्ली कालका जी, दिल्ली रोहिणी, पलवल हरियाणा, जल्दी आउटलेट ओपन होगा ग्वालियर में, पंजाब में, नोएडा, सहारनपुर, और सर बता रहे हैं सर आप कहाँ के हैं? मैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से हैं, तो मुजफ्फरनगर में भी आउटलेट ओपन होगा। भाई धीरे धीरे कहाँ कब कौन सा आउटलेट ओपन होगा ये आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, आपको वहां पर पता लग जाएगा। सर ने इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी और आपको गाइडेंस दी, इसके लिए आपकी तरफ से अपनी तरफ से सर से मैं धन्यवाद करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद है, आप भी जुड़े रहे सप्लीमेंट सुला के साथ, और ये वीडियो दिखाओ अपने माँ बाप को। एक लास्ट में और कहना चाहूंगा, क्वालिटी क्वांटिटी और स्पेसिफाइड ट्रेनिंग अंडर
एक्सपर्ट सुपरविजन के तहत आप कीजिए तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेंगे यार। यूं ही मतलब धुर्रपने में मत चलिए, तो जुड़े सप्लीमेंट्स वाला से। नमस्कार।